that you all are well. आज मेरी मामा बनाने वाली हैं शामी कबाब और ये कबाब आप लोग दाल चावल के साथ खा सकते हो, नान रोटी के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमने 3 चम्मच धनिया लिया है, 2-3 हमने दालचीनी लिया है, थोड़ी सी हमने चाय पत्ती लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ता है, 4 से 5 लौंग है। अब हम ये कॉटन का एक कपड़ा लिया है, उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छे से बांध के इसकी पोटली बना देंगे। अब हमने 4 कप पानी लिया है, लेकिन हमने इसमें 2 कप डाला है और इसमें हम ये पोटली डाल के इसको अच्छे से, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायकेदार श्यामी कबाब बनेगा। ये हमने चिकन 1/2 किलो बोनलेस लिया है, ये थाइस का चिकन है। इसमें हमने 2 आलू कट किया है। अब इस पानी में हम डालेंगे चिकन। चिकन डालेंगे, फिर ये कटा हुआ आलू भी इसी में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हमने 1 कप दाल को पानी में भिगो के रखा था, फिर ये दाल सारे इसमें जाएगा। पंद्रह से 16 लहसुन की कलियां हमने लिया है, 1 बड़ी प्याज को हमने कट किया, चॉप कर लिया है और ये छोटे छोटे 10 टुकड़े अदरक कर लिया हमने, फिर ये सब इसमें जाएगा। 6 से 7 हमने लाल मिर्च लिया है, नमक स्वाद अनुसार है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, काला जीरा हमने लिया है, वाइट जीरा लिया हमने, 1-1 चम्मच दोनों है, ये सब भी इसमें जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम 4 कप पानी लिया था, तो 2 कप हम पहले डाल चुके थे, 2 कप हमने रख लिया था, फिर 2 कप हम पानी इसमें और डाल रहे हैं क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये पकाएंगे। ये देखिए हमारा चिकन अभी टाइम है पकने में, कम से कम इसमें कम से कम 1/2 घंटा और लगेगा इसको ड्राई होने में। हमने इसे इंडक्शन से गैस पर शिफ्ट कर दिए। शामी कबाब का पानी सूख गया है, थोड़ा सा और है जो अच्छे से सूख जाए, फिर इसे हम निकाल के ठंडा करके पीसेंगे। ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब ये जो हमने पोटली डाला था मसाले का, उसको निकाल के अलग कर देंगे। खूब अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीसेंगे। ठंडा हो गया है हमारा श्यामी कबाब। अब इसे हम मिक्सी में ये हमारा चिकन देखिए महीन पीस चुका है। ये हमारा कबाब पीस चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे ये धनिया है, कटी हुई धनिया, ये मिर्च है और हम नमक डाल चुके थे, लेकिन काला नमक हम इसलिए डाल रहे, थोड़ा इसमें जायका आएगा। ये गरम मसाला है, ये काला नमक है, ये पिसा हुआ थोड़ा सा अदरक है, इससे फ्लेवर मिलता है। फिर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रमजान में आप बना के फ्रीजर में रख लीजिए, उसके बाद तलने से 10 मिनट पहले निकाल के रख लीजिए, फिर सहरी के समय, अफ्तारी के समय आप तलिए, मस्त खाइए। हम हाथों में तेल लगाएंगे, उसके बाद ऐसे गोल 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 गोला बनाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे दबा के इस ट्रे में रख देंगे। बहुत जायकेदार कबाब बनता है। चिकन का बनाइए, मटन का बनाइए। मेरे बच्चे चिकन का पसंद करते हैं तो मैं चिकन ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे तलने का मैं तरीका बताती हूँ।
ये हमने दो अंडा लिया है। आप चाहें तो बिना अंडे का भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडा लगा के करेंगे तो तेल भी कम लगेगा। इस अंडे में हम चुटकी भर नमक डालेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। कबाब को हम अंडे में डिप करके अब इसे हम तलेंगे। कबाब हमारा रेडी हो रहा है। अब इसे मैं अच्छे से पलटती हूँ, धीमी आंच पे, मतलब मीडियम आंच पे इसको कम तेल में फ्राई करना। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो फिर आप अंडा नहीं लगाएं, डायरेक्ट डीप फ्राई करना। अब मेरी मामा ने मुझे सर्व करके दे दिया, मैं इसका जायका बताने वाली हूँ। और मुझे कबाब खाना ऐसे ही पसंद है। बहुत ज़्यादा जायकेदार बना है। और इस कबाब को आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीनास मॉम किचन। बाय।